हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टेशन्स हैं जिनका फिर से इंटरव्यू रिज़ल्ट आया है और कुछ का इंटरव्यू का आया है कि उनके कब इंटरव्यू होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को असिस्टेंट सिक्योरिटी का ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को अभी रिसेंटली कि 21 मार्च जो डेट दी गई थी इंटरव्यू की, तो उसमें आप लोग लिस्ट देख सकते हो। लिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, बाकी आप खुद से भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिक्योरिटी स्क्रीनर का बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेशन से जिसका इंटरव्यू रिज़ल्ट आया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को अपने चैनल पे प्रोवाइड करती रहती हूँ अपडेट। जब कभी भी किसी भी स्टेशन की लिस्ट आती है, चाहे वो इंटरव्यू लिस्ट हो, मेरिट लिस्ट जिसे आप बोल सकते हो, या फिर इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया हो, तो बाकी इसकी फुल डिटेल्स, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्या क्या, ये सारी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कौन कौन से स्टेशन की लिस्ट आई है, जो कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 16 और 17 मार्च को इंटरव्यू हुआ था विजैग स्टेशन का, तो इसका रिज़ल्ट आ चुका है। और यहाँ पर 33 एस्पिरेंट्स से जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब कि इंटरव्यू हुआ था यहाँ पर। जब ये लिस्ट आई थी मैंने आप लोग को अपलोड करके प्रोवाइड किया था टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो के थ्रू डिटेल भी प्रोवाइड करी थी। यहाँ पर विजाग स्टेशन के जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो वो अपने मेल चेक करते रहे। यहाँ पर 33 एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू पास किया है। ये दूसरा स्टेशन है जो कि कलिकत का है। यहाँ पर ये जो लिस्ट निकली है ना, ये 3 डेट्स के जो इंटरव्यू हुए थे उसके एक साथ इन्होंने लिस्ट निकाली है। जैसे कि जो 5 मार्च को हुआ था, 6 मार्च को हुआ था, और 21 दिसंबर को इसका इंटरव्यू हुआ था। तो उस इंटरव्यू की उन्होंने एक साथ यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करी, जिसमें 24 एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू में पास हुए हैं। मतलब इन एस्पिरेंट्स ने क्वालिफाई किया है, 24 एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, और इनका इंटरव्यू 5 मार्च को 6 मार्च को कंडक्ट कराया गया था, और इससे पहले दिसंबर मंथ में भी 21 दिसंबर को भी हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 3 दिन का इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था, लेकिन यहाँ पर लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 24 एस्पिरेंट्स का ही नाम है। बाकी यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी इंदौर का भी रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरे वीडियो में मैंने असिस्टेंट सिक्योरिटी के भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है कि कौन से स्टेशन है जिसकी तीसरी लिस्ट आई है, क्योंकि यहाँ पर पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, ऐसे कई स्टेशन की अलग अलग लिस्ट भी आ रही है। तो अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं है, तो होपफुली आपका हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट में नाम हो, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया अलग दिया हुआ है। जैसे कि परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर्म फिल करते समय दूसरा था, लेकिन मेरिट लिस्ट में दूसरा है। लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके परसेंटेज अगर कम है, 76-78 तक है, तो भी उनका रिजल्ट में, मतलब इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ रहा है। बाकी यहाँ पर परसेंटेज कम है, तो भी आप अपनी उम्मीद मत, मतलब होप बना कर रखिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर पहले लिस्ट में नाम नहीं हो तो दूसरी में हो, या तीसरे में आपका नाम हो सकता है, क्योंकि कम परसेंटेज वालों को भी यहाँ पर चांस मिल रहा है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वेट करते रहिए, अपने मेल चेक करते रहिए। बाकी आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे, या फिर आप खुद से ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख सकते हो, लिस्ट चेक करते रहो। बाकी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी असिस्टेंट सिक्योरिटी का जिसका इंटरव्यू होने वाला है, अभी कंडक्ट कराया जा रहा है और हो भी चुका है, अभी रिसेंटली भी हुआ है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रखा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।